गया शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गया नगर निगम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कर रही है ताकि संक्रमण को खत्म किया जा सके। वहीं इसी क्रम में गुरुवार को भी मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, पार्षद व निगम कर्मियों ने मानपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या 47, 48, 49 एवं 51 में सैनिटाइजेशन किया गया। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के हराने के जंग में निगम के कर्मवीर योद्धा पिछले 15 दिनों से लगातार सड़क पर हैं ताकि कोरोना चेन को तोड़ा जा सके। आज सभी वार्डों में विशेष अभियान के तहत सैनिटाइजेशन व फॉगिंग करा दी गई है, लेकिन ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। जो गली मोहल्ला छूटे हुए हैं उन सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन चलता रहेगा। लोग वार्ड नंबर 47, 48, 49, 51 सूरी टोला, मानपुर, पटवा टोली, बुनियादगंज, अलीपुर, खाजहाँपुर इत्यादि में सैनिटाइजिंग, फॉगिंग और ब्लीचिंग का अभियान चलाया गया। हम लोग लगातार आज लगभग 15 दिन हो गया है विशेष अभियान का। बाकी रात में जो चलता है फॉगिंग बाडे वार्ड और वार्ड में जो सैनिटाइजिंग होता है, फिर और मशीन सेकंड हाफ में जो शाम के पानी में निकलता है वो सारा चल रहा है लगातार। हम लोग निरंतर गली रोड जहाँ भी संभव हो सका है गए हैं और खुद से अध्ययन किए और देखे। आज हम लोग ये कह सकते हैं कि नगर निगम अपनी तत्परता पर पूरी तरह खड़ा है, रोड पर है। जितना कुछ बंद पड़ रहा है, कोई कहीं से कोई सहायता नहीं होने के बावजूद भी निगम अपने दमखम पर इतना अभियान सालों से चला रहा है, इतना विशेष अभियान भी चला रहा है। मेरा एक गुजारिश और अनुरोध होगा, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके, राजनीति से परे होकर के ये बात रखना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में एमपी साहब, एमएलए साहब, मंत्री साहब या प्रभारी जो बनाए गए हैं वो गया अपने अपने जिलों का बने हैं। इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मैं टिका टिप्पणी के ख्याल से नहीं कह रहा हूँ, ये एक बार नहीं अनगिनत बार ये पहले कह रहा हूँ, उसके बाद आगे ये कह रहा हूँ कि